दोस्तों चलिए आज मैं आपको दिल्ली की जामा मस्जिद की सैर करवाता हूं। यहां जाने के लिए आप दिल्ली की मेट्रो को यूज कर सकते हैं और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर गेट नंबर 1 या 2 से अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी मैं यहां से अंदर एंट्री कर रहा हूं और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। छब्बीस जनवरी के दिन मैं यहां पर आया हूं, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और पूरी तरीके से जामा मस्जिद भरा हुआ है। यहां पर अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज उतारने पड़ते हैं, या फिर आप दूसरे गेट से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आपको शूज अपने हाथ में लेकर जाने होंगे, जैसे कि अभी लोगों ने हाथ में ले रखे हैं। यहां पर कुल मिलाकर 3 गेट है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। तीनों गेट की अलग अलग विशेषता है और तीनों गेट अलग अलग जगह पर खुलते हैं। जामा मस्जिद के अंदर एंटर करने के बाद जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि आप जामा मस्जिद की जो मीनार है यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको 50 रुपीज का टिकट लेना होगा। उसके बाद आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर जामा मस्जिद और दिल्ली का नजारा ले सकते हैं। जामा मस्जिद के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कि जामा मस्जिद के अंदर जो जामा वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है फ्राइडे, और ये फ्राइडे वर्ड से लिया हुआ है। दोस्तों अभी मैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर हूं, आप यहां का सीन देखिए। अभी जामा मस्जिद की मैं मीनार के पास पे खड़ा हूँ। यहाँ पर आने के लिए आपको मतलब अगर आप मीनार पे चढ़ना चाहते हैं, मीनार कौन सी है देखिए, ये वाली मीनार, इस मीनार के अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं इस जगह पर, तो आपको 50 रुपए का टिकट लेना होता है, और वो मैंने अभी 50 रुपए का टिकट लिया है। और 50 रुपए का टिकट लेने के बाद अब इस मीनार पे हम चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलिए ऊपर देखते हैं मीनार पर जाकर वहां से किस तरीके की दिल्ली दिखती है। अभी हमको इस मीनार पे चढ़ना है ऊपर इस जगह, तो चलिए चलते हैं। इस जगह पे जा रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर वाले पिलर पर जाकर अभी फोटो खींच के आए हम। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और देखिए किस तरीके का रास्ता है ये। चलते रहिए भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके के रोशनदान बना रखे हैं बीच बीच में, और
आपको ऐसे करीब करीब 150 सीढ़ियों पे नीचे जाना है। जाने में बहुत डर लग रहा था, जाने में तो कितना मजा आ रहा है। किसी भी काम को करने में डर लगता है, उसके बाद तो इजी हो जाती है लाइफ। सभी को लगता है यार। जामा मस्जिद को शाहजहां ने 1650 से 1656 के बीच में 10 लाख रुपए की लागत से बनवाया था, जिसको कि बुखारा के इमाम ने आकर इनोग्रेट किया था, चालू किया था, जो कि आज की डेट में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए लगभग 5000 कारीगर ने दिन रात काम किया था और इस मस्जिद के अंदर एक साथ लगभग 25000 लोग अंदर बैठकर प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद के अंदर 3 गेट हैं, 4 टावर हैं और 2 40 मीटर के मीनार हैं, जो कि रेड और व्हाइट मार्बल से बनी हुई हैं। जामा मस्जिद के बारे में एक खास बात है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो यह है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स ने प्लान किया था कि इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन वहां पर होने वाले विरोध की वजह से इसको तोड़ना बाद में कैंसिल कर दिया गया और बाद में इसको टाल दिया गया और नहीं तोड़ा गया। तो दोस्तों, जामा मस्जिद के बारे में एक खास बात और है कि दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद जिस जगह पर स्थित है उसके आसपास में घूमने की बहुत सारी जगह है, जैसे कि रेड फोर्ट, चांदनी चौक, जामा का जो मार्केट है और भी अलग अलग मार्केट है, बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं जो कि आप घूम सकते हैं। तो जब जामा मस्जिद आप आते हैं तो उसके बाद में आप आसपास के इन जगहों पर घूमना ना भूलें, ये एक बहुत अच्छी आइकॉनिक जगह है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और जगह की सैर करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।